हेलो स्टूडेंट्स वेलकम वेलकम बैक टू मैग्नेट दिस सलोनी पांडे योर योर साइकोलॉजी एजुकेटर एंड यू ऑल फेवरेट चैनल जहां पर आपको मिलती है 100 परसेंट फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन और वो भी बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के सो स्टूडेंट्स आज के हमारे इस लेक्चर में हम करने जा रहे हैं हमारे चैप्टर नंबर टू दैट इज सेल्फ एंड पर्सनैलिटी आपकी क्लास ट्वेल्थ साइकोलॉजी से असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन यानी कि जो आपकी क्लास ट्वेल्थ साइकोलॉजी से चैप्टर नंबर टू है जिसका नाम है सेल्फ एंड पर्सनालिटी इस चैप्टर के असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन हम आज के हमारे लेक्चर में करने जा रहे हैं इस चैप्टर से एमसीक्यूज हम ऑलरेडी कर चुके हैं सो so, आज के इस लेक्चर में देखेंगे कि आपके चैप्टर नंबर टू से कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चंस बन सकते हैं और इन सभी क्वेश्चंस को हम करेंगे आंसर साथ ही साथ में हम ये भी देखेंगे कि असर्शन रीजन क्वेश्चंस को आंसर करने का सबसे सिंपलेस्ट तरीका क्या होता है ये सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे हमारे आज के इस लेक्चर में आई होप सो आप सभी रेडी हैं तो फटाफट से देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस आपके असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं फ्रॉम योर चैप्टर नंबर टू दैट इज सेल्फ एंड पर्सनैलिटी ओके सो आई होप सो सारी चीज़ें समझ में आई और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स पर जैसे कि आप सारे लेक्चर्स देखते हो मैग्नेट बीन्स पर किन्डर गार्डन से लेकर क्लास ट्वेल्थ तक के मैग्नेट बीन बुक्स एंड ई बुक्स भी हम लेकर आ रहे हैं तो जो भी आप यहाँ पर पढ़ते हो अगर आपको चाहिए कि आपको एक अच्छी सी बुक भी मिल जाए जैसे मैग्नेट बीन्स आपको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करता है वैसे ही बुक्स भी जो है क्वालिटी कंटेंट के साथ में मिल जाएँ तो आप इन बुक्स को बहुत ईजीली एक्सेस कर सकते हो बुस कुछ कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं तो जो भी चैप्टर या जो भी चीज़ आपको पढ़नी है लाइक एम सी क्यू बुक्स हैं थ्योरी बुक्स हैं सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स हैं जो भी आपको पढ़ना है आप इजीली पढ़ सकते हो तो अगर आपको बुक्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाओ एक फॉर्म फिल करो हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी ईजीली आप बुक्स ले सकते हो और साथ ही साथ आप मैग्नेट बेन्स के नोट्स भी ले सकते हो जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा फाइन सो आई थिंक सो सारी चीजें क्लियर हैं सो लेट्स स्टार्ट विद आ क्वेश्चन नंबर वन दैट इज असर्शन एंड रीजन देखो सो असर्शन से इन सिमिलर सिचुएशन ठीक है असर्शन क्या बोल रहा है कि जो लोग होते हैं वो सिमिलर सिचुएशंस में डिफरेंट बिहेव करते हैं मतलब कोई सेम सिचुएशन है ठीक है तो उसके अंदर अलग तरह से बिहेव करेंगे एक सिचुएशन ये है एक सिचुएशन ये है दोनों सेम है लेकिन बिहेवियर जो है वो अलग अलग होगा रीजन कहता है कि सेल्फ एंड पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स मेक पीपल डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर जो हमारा सेल्फ होता है जो हमारी पर्सनालिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो हमें एक दूसरे से डिफरेंट बनाते हैं ठीक है एक हमारा सेल्फ होता है एक हमारी पर्सनालिटी होती है दैट इज द सेल्फ एंड पर्सनालिटी जो कि आपका चैप्टर ही है तो ये जो हमारा सेल्फ और पर्सनालिटी है ये हमारे डिफरेंट मतलब हमें एक दूसरे से डिफरेंट बनाता है आपको याद होगा हमने चैप्टर नंबर वन में पढ़ा हुआ है वेरिएशन इन साइकोलॉजिकल एट्रीट्यूट ठीक है तो हम सभी के बीच में जो डिफरेंसेज हैं दैट इज बिकॉज ऑफ आवर सेल्फ एंड पर्सनैलिटी दिस इज द रीजन नाउ यू हैव टू टेल मी द करेक्ट आंसर ठीक है असर्शन क्या बोल रहा है कि पीपल बिहेव डिफरेंटली इन सिमिलर सिचुएशंस एंड रीजन सेज दैट सेल्फ एंड पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स मेक पीपल डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर आई होप सो दैट इज क्लियर फाइन अब देखो ये जो हमारे असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं इन्हें हमें आंसर करना कैसे होता है या पूरी ट्रिक है क्या देखो सबसे सिंपल चीज मैं आपको एक बताऊं असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस में दो स्टेटमेंट है मान लो ये स्टेटमेंट वन है ये स्टेटमेंट टू है आपको ए, ए स्टेटमेंट को रीड करना है सेकेंड स्टेटमेंट दैट इज रीजन इसको रीड करना है सबसे पहले आपको देखना है क्या ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही बात कर रहे हैं जैसे ये दोनों स्टेटमेंट लिखे हैं क्या ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं या इनमें से कोई ऐसे स्टेटमेंट है जो फॉल्स है एक एग्जाम्पल मान लेते हैं कि यहां लिखा है सेल्फ एंड पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स मेक्स पीपल डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर यहां पर अगर ऐसा होता है सेल्फ एंड पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स मेक पीपल सिमिलर फ्रॉम ईच अदर ठीक है कुछ भी हो सकता है ना तो ये स्टेटमेंट सही है या गलत सबसे पहले आपको ये देखना है मान लो कि इनमें से कोई भी स्टेटमेंट गलत है या रीजन गलत है या असर्शन गलत है तो आपका जो सीधा साधा आंसर है वो होगा ऑप्शन सी या ऑप्शन डी में से कोई एक ऑप्शन सी असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स ऑप्शन डी असरशन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू दैट इज सिंपल बात सारी यहां पर आती है अगर ये दोनों स्टेटमेंट सही है अगर ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं तो जो सबसे पहली चीज आपको करनी होती है वो ये है कि आपको देखना है कि ये जो रीजन है ये जो एक स्टेटमेंट दिया है ना इस स्टेटमेंट का रीजन होता है सेकेंड स्टेटमेंट तो आपको ये देखना है कि क्या ये रीजन सही है या रीजन सही नहीं है क्लियर अगर आपको लगता है कि असर्शन का रीजन सही दिया है तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए दैट इज बोथ असर्शन एंड रीजन आर एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन अगर आपको लगता है स्टेटमेंट तो दोनों सही हैं लेकिन एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग हैं इसका एक एग्जांपल मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी दिया था जब हमने चैप्टर वन पढ़ा था असर्शन रीजन कि मान लो मैं बोल रही हूं मेरा पहला स्टेटमेंट ये है कि आई ऑलवेज ईट राइस इन लंच क्लियर अब मैं रीजन दे रही हूँ आई लाइक राइस पहले मैंने बोला कि मैं लंच में ज़्यादातर राइस ही खाती हूँ सेकेंड स्टेटमेंट मैंने बोला कि मुझे राइस पसंद है तो ये दोनों चीज़ें सिमिलर है, है ना दोनों चीज़ों में बात समझ में आ रही है कि हाँ मैं चावल इसलिए खाती हूँ क्योंकि मुझे राइस पसंद है तो रीजन बिल्कुल सही है तो मेरा आंसर होगा बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन मान लो मैं ऐसा बोलती हूँ कि आई ऑलवेज ईट राइस इन दी लंच और मैं रीज़न देती हूँ कि आई लाइक गोइंग टू पार्क अब ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है मेरे बारे में लेकिन क्या इन दोनों के बीच में एक रिलेशन हमको देखने को मिल रही है पहले बात हो रही है कि मैं लंच में रोज राइस खाती हूँ दूसरे में मुझे पार्क जाना बहुत अच्छा लगता है बात भले ही सही है लेकिन रिलेशन तो कुछ नहीं बन रहा ना यहाँ पे तो फिर आंसर होता है ऑप्शन बी दैट इज बोथ आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन समझ रहे हो ऐसे को रिलेशन बनाना होता है तो जो असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उसमें एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है रिलेशन या को अगर ऑप्शन मतलब कोई भी स्टेटमेंट गलत है तो तो सीधी साधी बात पता चल जाती है कि ऑप्शन सी या डी होगा लेकिन अगर दोनों सही हैं तो जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो रिलेशन बनाना और इसी रिलेशन बनाने में सबसे ज़्यादा डाउट्स आते हैं स्टूडेंट्स को जहां पर वो क्वेश्चन को गलत कर देते हैं ठीक है थीके? तो मुझे ऐसा लगता है बहुत सिंपल क्वेश्चन हैं आप बस प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ में करोगे तो ईजिली कर सकते हो ओके सो लेट्स आंसर दिस क्वेश्चन इसका आंसर मैं आपको बताती हूँ क्या होगा फिर आगे के क्वेश्चन को आप मुझे आंसर करना आंसर ज ए दैट इज बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ अजर्शन क्यों देखो हम सभी सिमिलर सिचुएशंस में पीपल बिहेव डिफरेंटली भले ही सेम सिचुएशन होगी लेकिन मेरा बिहेवियर uh, अलग होगा आपका बिहेवियर अलग होगा एक एग्जाम्पल आप सबकी क्लास चलती है है ना आप सबकी क्लास में आप सारे स्टूडेंट जो है वो साथ में बैठते हुए एक जैसी पढ़ाई करते हुए एक ही टीचर आपको पढ़ाती है एक जैसा इन्वायमेंट है बट स्टिल सबका बिहेवियर अलग अलग होता है कोई बिल्कुल अटेंशन के साथ में जो है पढ़ाई कर रहा होता है कोई बहुत मस्ती कर रहा होता है कोई जो है टीचर को बहुत ही अच्छे से उनसे डाउट्स वगैरह पूछा मतलब एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ तो सिमिलर सिचुएशन वी बिहेव डिफरेंटली वाई बी बिहेव डिफरेंटली क्योंकि जो हमारी सेल्फ और पर्सनैलिटी है ये दोनों मिल हमको एक दूसरे से अलग बनाते हैं हम सबकी पर्सनैलिटी अलग अलग होती है हम लोग सिमिलर नहीं होते फाइन तो इसलिए दोनों स्टेटमेंट सही है और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का तो हमारा आंसर क्या है ऑप्शन ए फाइन कोई डाउट है यहां तक ठीक है सो आई होप सो दिस इज क्लियर देखो बहुत सिंपल सी चीजें आपको बस रिलेट करना है को रिलेशन अगर आपने बना लिया सो सबसे मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर टू इसका आंसर आप लोग मुझे बताओगे ओके okay, देखो देर इज वन गुण प्रेजेंट इन एवरी पर्सन रीजन द डोमिनस ऑफ वन गुण लीड्स टू अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ बिहेवियर एक गुण होता है जो हम सभी के अंदर प्रेजेंट है कारण यह है कि एक गुण के डोमिनेंस के कारण पर्टिकुलर टाइप ऑफ बिहेवियर हम करते हैं कोई एक गुण मेरे अंदर अगर ज़्यादा है तो मैं वैसा ही बिहेव करूंगी ना यू हैव टू टेल मी द करेक्ट आंसर मैं ऑप्शन रीड करती हूँ एक चीज़ याद रखना है अब मुझे लगता है आप सबको पता होगी बट फिर भी मैं बोल देती हूँ कि असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन में ऑप्शन हमेशा सेम ही होते हैं ऑप्शन ए बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असरशन ऑप्शन बी बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असरशन ऑप्शन सी असरशन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स ऑप्शन डी असरशन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू फाइन कमन टेल मी दी करेक्ट आंसर जल्दी से मैं वेट कर रही हूँ आपके आंसर्स का और आप मुझे फटाफट जो है आंसर बता देंगे आंसर इज ऑप्शन यस ऑप्शन डी ऑप्शन डी दैट इज असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू अब ऐसा क्यों हुआ अच्छा मुझे जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में किस किस का आंसर सही था मुझे देखना है मेजोरिटी सही है या अभी माइनॉरिटी ही है मतलब अगर ज़्यादा स्टूडेंट्स का सही है तो दैट मीन्स आपको ये लॉजिक समझ में आ गया है अगर नहीं है तो फिर मतलब अभी मुझे थोड़ा और अच्छे से समझाने की जरूरत है मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में क्या ये असर्शन रीजन क्वेश्चन को कैसे आंसर करना है आपको क्लियर है या नहीं अगर है तो यू हैव टू कमेंट येस अगर नहीं है तो कमेंट नो ठीक है तो मुझे एटलीस्ट समझ और क्या समझ में नहीं आ रहा है वो भी थोड़ा सा मुझे बताओ तो मेरे को सब सम... मतलब मुझे भी पता चले कि आप क्या चीज में लैग कर रहे हो फाइन या कहां पर मुझे आपको और एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत है अगेन वही चीज कि कंसेप्ट क्लियर होंगे तो क्वेश्चन को आंसर कर पाओगे अगर क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया है ना तो मतलब लिखा क्या है वही समझ में नहीं आया तो आंसर कहां से दोगे तो कंसेप्ट अपने क्लियर रखो लेकिन आंसर करने में अगर गलती हो रही है तो फिर मुझे बताओ ये चीज ओके कि कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही कि मैम करेंगे ही कैसा असर्चन रीजन आई होप सो मैंने बहुत बेसिक समझाया तो आपको क्लियर हो गया होगा आई जस्ट वांट कि एवरी स्टूडेंट को हर एक चीज क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए ओके लेट्स मूव ऑन असर्जन so, यहां पे इसलिए गलत है क्योंकि हमारे अंदर एक गुण नहीं त्रिगुण प्रेजेंट होते हैं है ना वो तमस राजस ये सब जो हमने पढ़ा हुआ था तो त्रिगुण हमारे अंदर प्रेजेंट होते हैं हर एक पर्सन के अंदर ओनली वन गुण इज नॉट करेक्ट आंसर इसलिए ये गलत है सेकेंड स्टेटमेंट सही है कोई एक गुण अगर ज्यादा डोमिनेटेड है तो हमारी पर्सनालिटी भी वैसे हो जाती है मान लो आपके अंदर तमस गुण ज्यादा है तो आप ज्यादातर लेजी रहोगे एंग्री रहोगे चीजों को लेके स्ट्रेसफुल बिहेवियर में रहोगे फाइन तो वो एक चीज होती है कि आपके अंदर डोमिनेंस किस एक चीज का ज्यादा है फाइन ओके लेट्स मूव ऑन फर्दर क्वेश्चन नंबर ईच वन ऑफ अस हैज द कैपेसिटी टू चूज एंड क्रिएट हम सभी के अंदर कैपेसिटी होती है कि हम चीजों को चूज कर सकें और उसको क्रिएट कर सकें फाइन रीजन एवरी इंडिविजुअल सफर्स फ्राम द फीलिंग ऑफ एडिक्वेसी एंड ईगो दैट इज सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स विच अराइज फ्राम चाइल्डहुड हर एक इंडिविजुअल के अंदर एक फीलिंग होती है एडिक्वेसी की और ईगो की यानी कि एक हमारे अंदर सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है कि हम ही सुपीरियर है हमको सारी चीजें आती हैं और ये एक चीज़ जो है चाइल्डहुड से ही हमारे अंदर अराइज होने लग जाती है फाइन ओके ना यू है ऑप्शन ऑप्शन ए

हर एक इंडिविजुअल के अंदर सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होता इजी फाइन चलो आगे बढ़ते हैं देखो जितना ज़्यादा चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ोगे ना मेरा एक ये आप सभी स्टूडेंट से कहना है कि हम लोग देखो जनरली क्या करते हैं लाइक हम जब पढ़ते थे तो हम भी ये चीज़ें करते थे लेकिन अब आप, आप वो मिस्टेक्स ना दोहराओ जनरली को हम क्या करते हैं टीचर ने चैप्टर पढ़ाया हमने चैप्टर पढ़ लिया अब जब टीचर पहली बार चैप्टर पढ़ाता है आपको क्लास में तो आपको कुछ कुछ चीज़ें समझ में आ जाती हैं अप्रॉक्सीमेटली uh, मैं मान के चलती हूँ कि आपको फिफ्टी टू फिफ्टी समझ में आ जाता है है ना जब आपको टीचर पढ़ाता है क्योंकि ये हमारी रिटेंशन कैपेसिटी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ कि आप कितनी चीज़ों को रिटेन करके रख सकते हो इतनी बात हमको समझ में आ जाती है टीचर की और याद भी रहती है कि उन्होंने हमको ये ये चीज़ें चैप्टर के अंदर बताई थी धीरे धीरे करके ये थोड़ा थोड़ा भूलने लग जाते हैं फोर्टी परसेंट याद रहता है चैप्टर के अंदर क्या पढ़ा था फिर हम आते हैं एग्जाम वाले दिन पे जब हमारे एग्जाम आने वाले रहते हैं या कोई टेस्ट होता है तब हम उस चैप्टर को उठाते हैं और उस चैप्टर में हम क्या उठाते हैं क्वेश्चन आंसर फिर हम जाते हैं उस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स पे और लग जाते हैं क्वेश्चन आंसर्स को याद करने में क्योंकि 40 परसेंट हमको चैप्टर के बारे में पता होता है क्वेश्चन आंसर्स पढ़ के हमारा थोड़ा नॉलेज और एनहेंस हो जाता है चीजों को लेके हम चैप्टर को समझ पाते हैं 60 परसेंट फाइन अब ये इतनी चीजें हमको याद है अगर रिविजन कर लिया तो अगर रिविजन कर लिया तो एट्टी परसेंट चैप्टर याद है एक अप्रॉक्स लेके चल है सेवेंटी एट्टी परसेंट चैप्टर याद है जिसने रिविजन नहीं किया होता उसका वापस से ये फोर्टी परसेंट जैसे ही फिफ्टी परसेंट तक चैप्टर की आधी आधी चीजें याद रहती हैं आधी आधी याद नहीं रहती कुछ कुछ पॉइंट याद आ रहा है कुछ कुछ पॉइंट याद नहीं आ रहा है जिनने रिविजन किया होता है वो भी थोड़ा बहुत तो भूल ही जाते हैं क्योंकि वर्ड टू वर्ड आपको चीजें याद रही नहीं जा सकती तो ये एक केस है अब इस पर्सन को फिफ्टी परसेंट याद है कोई क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा लिख पाएगा थोड़ा गलत होगा मान लो सिक्स का क्वेश्चन था आंसर मतलब आंसर लिखे थ्री मार्क्स आ गए या फोर मार्क्स आ गए बस, बस इतना ही आ सकता है एमसीक्यूज वगैरह आए तो एमसीक्यूज को गलत करने की गुंजाइश यहां पर बढ़ जाती है जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्योंकि हमने तो सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स पढ़े थे और चैप्टर तो थो हमको थोड़ा थोड़ा पता है जितना जितना पता है उसके अकॉर्डिंग हम एम को आंसर कर पाते हैं बाकी एमसी को हम गलत कर देते हैं ये हम सब करते हैं सब रिलेट कर पा रहे हैं कुछ ही होंगे एक दो पर्सेंट जो ऐसा बोलेंगे कि नहीं हम सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़ते हैं हम चैप्टर को भी पढ़ते हैं अब जब मैं आपको जब से भी पढ़ा रही हूँ या जब से भी आप लोग मुझसे पढ़ रहे हो मैं एक ही चीज़ कहती हूँ चैप्टर के ऊपर फोकस करो हमारा फोकस चला जाता है यहां पे। बल्कि फोकस हमारा होना भले एक दो दिन बाद आप इस चैप्टर को उठाओ और अच्छे से पढ़ो आपने एक बार और इस चैप्टर को पढ़ लिया अभी आपको टीचर ने जब पढ़ाया था तो थोड़ी थोड़ी चीजें समझ में आई थी लेकिन अब आपने अपने आप से जब उसको एक बार रीड किया सारी चीजों को समझने की कोशिश करी आपको चैप्टर सेवेंटी परसेंट समझ में भी आ गया रिटेन भी करके रखना हो कुछ छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हम निगलेक्ट कर देते हैं कि ठीक है ये शायद इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसको छोड़ दो सेवन सेवेंटी फाइव परसेंट इवन आई एम सेइंग कि आपको चीजें याद रह जाएंगी अब इसके बाद में जब आप आते हो कि अब एग्जाम आने वाले हैं या पेपर आने वाला है तो यू विल गो विद द क्वेश्चन एंड आंसर क्वेश्चन आंसर को जब हम कर लेते हैं तो हमको ये सारी चीजों को मिला के एट्टी परसेंट याद रह जाता है

नहीं हुआ नाइन कंप्लीट यानसीआर में क्वेश्चन दिए उसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन आप, आप उसको आंसर कर सकते हो बिल्कुल कर सकते हो क्यों क्योंकि आपके हंड्रेड चैप्टर कंप्लीट है फाइन अब आपका कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उसको अपने तरीके से लिख सकते हो जहां आपके छह में से तीन या चार आ रहे थे ना यू स्कोर फाइव प्लस फाइव पॉइंट फाइव या फाइव एम सी क्यू एमसीक्यू को भी कर पाओगे एक आध गलत होगा वो देखो ह्यूमन टेंडेंसी होती है वो होती है चीजें बट एटलीस्ट यू कैन स्कोर मोर मार्क्स और इसके साथ में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपने जो पढ़ा है वो आप नेक्स्ट क्लास में या कॉलेज में जाके भूलोगे नहीं आपको याद रहेगी वो चीज़ क्योंकि आपने उसके ऊपर मेहनत की है है ना तो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर पे फोकस अगर हम करेंगे तो हमको चैप्टर कभी समझ में नहीं आएगा पढ़ लिया और फिर आगे बढ़ गए क्लियर तो इसीलिए मेरा जो फोकस रहता है वो ये रहता है कि चैप्टर को अच्छे से पढ़ो चैप्टर अच्छे से पढ़ोगे कहीं का कोई क्वेश्चन आ जाए आप आंसर कर सकते हो अभी इतनी सारी कहानी मैंने क्यों सुनाई इसलिए सुनाई क्योंकि जो एम आते हैं या असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है ना सब ऑब्जेक्टिव टाइप जितने भी आपके आते हाँ हैं वो सारे या तो चैप्टर से वो उठाएंगे या तो कंसेप्ट से आपके ले लेंगे अगर आपको चीज़ें क्लियर हैं तो आप आंसर कर सकते हो नहीं तो आप गलत आंसर कर दोगे फाइन क्लियर सो so, ये एक चीज मैं आपको कह रही हूँ कि इन चीज़ों को ध्यान रखो और ये बात मुझे ऐसा लगता है कि आपको पहले से ही पता होगी कि जो थ्योरी सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें कभी भी फुल मार्क्स नहीं मिलते ठीक है साइकोलॉजी आपका थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों तरह का सब्जेक्ट है लेकिन फुल मार्क्स मिलने के चांसेस बहुत कम होते हैं तो इसीलिए इतने अच्छे से उसको प्रिपेयर करो कि अगर मार्क्स कट भी रहा है तो जीरो पॉइंट फाइव कटे उससे ज़्यादा ना कटे

जो एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ एफिकेसी होती है वो लोगों को अलाउ करती है कि वो आ, अपने आस पास में जो भी लाइफ में जो भी सारी सरकमस्टांसिस हो रहे हैं उनको कंस्ट्रक्ट इन्फ्लुएंस और सिलेक्ट कर सकें सेलेक्ट इन्फ्लुएंस एंड कंस्ट्रक्ट सर्कमस्टेंसेज ऑफ देयर ओन लाइफ ये कौन सी चीज़ कर रही है सेल्फ एफिकेसी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ एफिकेसी रीज़न अब क्या कह रहा है ये मैं नहीं कह रही हूँ ये स्टेटमेंट कह रहा है ठीक है अब रीज़न क्या कह रहा है सोसाइटी पेरेंट्स एंड देर ओन पॉजिटिव एक्सपीरियंसिस कैन हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रॉग सेंस ऑफ सेल्फ एफिकेसी बाई प्रजेंटिंग पॉजिटिव मॉडल्स ड्यूरिंग द फॉर्मेटिव ईयर्स ऑफ चिल्ड्रन जो सोसाइटी है जो पेरेंट्स हैं जो आपके अपने पॉजिटिव एक्सपीरियंस होते हैं ये आपको सेल्फ एफिकेसी डेवलप करने में हेल्प करते हैं जिससे आप मतलब जब आपके फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं चिल्ड्रन के जब आप बड़े हो रहे होते हो तो ये आपको एक प्रेजेंट मतलब पॉजिटिव मॉडल की तरह आते हैं जिसके थ्रू आपकी सेल्फ एफिकेसी जो है वो बढ़ती चली जाती है ये रीज़न कह रहा है अब आप मुझे बताओगे कि करेक्ट आंसर क्या है ऑप्शंस यू ऑल नो सारे सेम ही हैं कि दोनों ट्रू हैं रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है दोनों ट्रू हैं बट रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन सही है रीज़न फॉल्स है असर्शन फॉल्स है रीज़न सही है तो ऑप्शन सेम है आंसर क्या होगा ये बताओ मुझे जल्दी से क्वेश्चन नंबर फोर असर्शन मैंने आपको बता दिया रीजन मैंने आपको बता दिया नाउ यू हैव टू टेल मी दी करेक्ट आंसर सोचो थोड़ा पहले देखो क्या दोनों सही हैं या दोनों में से कोई भी फॉल्स है सबसे पहला काम यही करना है असर्शन रीजन देख के कि क्या दोनों फॉल्स हैं लग रहा है अगर फॉल्स है तो उसके ऊपर फिर आंसर लगाओ अगर लग रहा है कि नहीं फॉल्स नहीं है और मतलब थोड़ा भी डाउट लग रहा है कि नहीं सही हो सकता है तो फिर उसको रिलेशन बनाने की कोशिश करो ठीक है एंड द आंसर हेयर इज ऑप्शन बी दैट इज बोथ आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन देखो यहाँ पे बात ये हो रही है कि अगर आपका सेल्फ एफिकेसी स्ट्रांग है तो आप अपने लाइफ सर्कमस्टांसिस को कंस्ट्रक्ट इन्फ्लुएंस सेलेक्ट सब कुछ कर सकते हो यहाँ बात हो रही है कि वो सेल्फ एफिकेसी डेवलप कैसे होती है यहाँ बात हो रही हो उस सेल्फ एफिकेसी से क्या कर सकते हो यहाँ बात हो रही है कि वो सेल्फ एफिकेसी डेवलप कैसे होगी फाइन तो इस तरह से जो है आपको अपने क्वेश्चन को आंसर करना है आई होप सो दैट इज दिटी मच क्लियर टू यू ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव इंटरव्यू इज कॉमनली यूज मैथड फॉर असेसिंग पर्सनैलिटी किसी पर्सनैलिटी को असेस करने के लिए इंटरव्यू जो है वो सबसे कॉमनली यूज मैथड होती है रीजन डायग्नोस्टिक इंटरव्यू इंटरव्यूइंग जनरली इन्वॉल्व गिवन बाय द पर्सन जो डायग्नोस्टिक इंटरव्यूइंग होती है उसमें बेसिक इंटरव्यूइंग भी होता है जहाँ पर यू सीक्स टू गो बियॉन्ड द रिप्लाइज मतलब पर्सन जो रिप्लाई दे रहा है उसके अलावा भी आप उन चीज़ों को जो है सीख कर सकते हो समझ सकते हो कि क्या बोलने की कोशिश कर रहा है दैट मीन्स पर्सनैलिटी उसकी जो है आपको समझ में आ जाएगी नहीं यू हैव टू टेल मी द करेक्ट आंसर ऑप्शन आपके सामने हैं रीजन असर्शन मैंने दोनों आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं एंड द करेक्ट आंसर ऑप्शन सी असर्शन ट्रू बट रीजन इज फॉल्स तो इंटरव्यू एक कॉमनली यूज मेथड है जिसके थ्रू पर्सनालिटी को एसेस किया जा सकता है बट ये जो स्टेटमेंट कहा जा रहा है ये करेक्ट नहीं है ओके okay? नहीं देखो जो असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे ना आपके वो चैप्टर में से ही आएंगे कंसेप्ट क्लियर होना तो जरूरी है लेकिन वो आएंगे आपके चैप्टर में से ही लाइनों को उठाया जाएगा इसलिए बोलती हूँ चैप्टर रीड करो ठीक है रिलेशनशिप बिटवीन द रियल सेल्फ एंड दल सॉरी रॉगर जो है वो रियल और आइडियल सेल्फ के बीच की रिलेशनशिप के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं रीजन The congruence of these real and ideal selves make a person fully functioning. जब इस रियल और आइडियल सेल्फ में congruence बन जाता है दोनों एक दूसरे के सहायक हो जाते हैं तब ये एक पर्सन को पूरी तरह से फंक्शनल पर्सन बना देता है फाइन ये रॉगर के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है रियल और आइडियल सेल्फ के बारे में आपको पहले देख लो कि स्टेटमेंट सारे सही हैं या कोई स्टेटमेंट गलत है और अगर लग रहा है दोनों सही हैं तो फिर क्या रिलेशनशिप बन रही है या नहीं बन रही है खुद से सोचो ठीक है और फिर बताओ कि करेक्ट आंसर क्या है ठीक है आई होप सो ये सिंपल क्वेश्चन है और आपको आंसर इसका पता होगा अगेन अगर आप कार्ल रॉगर्स की फिलोसॉफी या थ्योरी को जानते हो तो आप इसका आंसर कर पाओगे एंड द आंसर इज ऑप्शन ए दैट इज बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज दी करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन क्यों क्योंकि कार्ल रॉगर्स ने आइडियल सेल्फ और रियल सेल्फ के ही बारे में बताया था ठीक है किसके बारे में बताया था कि एक हमारा आइडियल सेल्फ होता है और एक हमारा रियल सेल्फ होता है हमारा आइडियल सेल्फ वो होता है जो हम बनना चाहते हैं जो हम चाहते हैं कि दिस दिस शुड बी लाइक फाइन और आई शुड वर्क लाइक दिस जो हमारा रियल सेल्फ होता है वो ये होता है कि हम इन रियलिटी हैं क्या एक तो आइडियल होता है कि हाँ हम चाहते हैं कि ऐसा होना चाहिए बट इन रियलिटी वी आर डूइंग समथिंग डिफरेंट एक एग्जाम्पल आपको देती हूँ uh, आइडियली आप ये सोचते हो कि कभी भी अल्कोहल कंज्यूम नहीं करना चाहिए बिकॉज अल्कोहल कंज्यूम करना आपकी पर्सनैलिटी को नेगेटिव सेंस में दिखाता है ये आपकी आइडियल आप ऐसा सोचते हो और आप ऐसा ही बनना चाहते हो कि आप कभी भी अल्कोहल कंज्यूम ना करो बट इन रियालिटी आप अल्कोहल कंज्यूम करते हो ठीक है आइडियली आप क्या बोलते हो बिल्कुल नहीं करना चाहिए बहुत गलत है रियालिटी में आप वही काम कर रहे हो अगर ऐसा होता है तो दैट मीन्स कन्फ्लिक्टिंग पर्सनैलिटी है है हाँ ना तो फिर तो आप कभी भी फुल्ली फंक्शनल हो ही नहीं पाओगे इवन आपको तो हमेशा ये एक चीज जो है पर्सनालिटी आपकी डेवलप नहीं होने देगी कॉन्ग्रुएंस नहीं बन पाएगा इनकॉन्ग्रुएंस हो जाएगा लेकिन अगर आप जो सोचते हो आप ऐसे ही काम करते हो कि नहीं कभी भी अल्कोहल को इवन आई एम नॉट गोइंग टू टच इट तो दैट मीन्स कि दोनों के बीच में कॉन्ग्रुएंस है और जब कॉन्ग्रुएंस रहेगा तो आप फुल्ली फंक्शनल पर्सन बनके आपकी पर्सनालिटी और ज़्यादा ग्रो करेगी फाइन सो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ कार्ल रॉगर्स रियल सेल्फ एंड आइडियल सेल्फ आई होप सो इसमें भी कोई डाउट नहीं है फाइन सो दैट इज अबाउट योर क्वेश्चन नंबर नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर कैरन ने आर्ग्यूड दैट साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स वर कॉज बाय डिस्टर्ब्ड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स ड्यूरिंग चाइल्डहुड कैरन हॉरे क्या बोल रहे हैं कि जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं वो इसलिए होते हैं क्योंकि हमारे चाइल्डहुड में जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स होती हैं वो डिस्टर्ब्ड हैं ओके रीजन द गोल्स दैट प्रोवाइड अस विद सिक्योरिटी एंड हेल्प्स अस इन ओवरकमिंग द फीलिंग्स ऑफ इन आर इंपॉर्टेंट इन आर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो गोल्स हमारी लाइफ में होते हैं जो भी हमको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं या जो हमको हेल्प करते हैं हमारी इनएडिक्सी वाली फीलिंग्स को ओवरकम करने में वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में ये रीज़न बोल रहा है ठीक है तो दोनों स्टेटमेंट आपने सुन लिए कैरन हॉर्ने का भी दिया है और गोल्स वाली बात भी की गई है मतलब असर्शन रीजन अब आप मुझे बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन ए बी सी और डी क्या दोनों स्टेटमेंट सही है क्या दोनों में से कोई भी ऐसा स्टेटमेंट है जो फॉल्स है अगर दोनों स्टेटमेंट सही हैं तो क्या रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर पा रहा है ठीक है ये आपके सामने तीन ऑप्शन हैं और आपको इन चार ऑप्शन बताना है जल्दी से बताओ क्या होगा आंसर आंसर इज इज ऑप्शन बी दैट बोथ आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इट देखो क्यों यहां पे बोल रहे हैं कि कैरन हॉर ने साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के बारे में बता रही है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो हैं वो डिस्टर्ब इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की वजह से होते हैं यहां पर बात यह हो रही है कि हमारी पर्सनालिटी में वो फैक्टर्स जो हमें सेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं या इन एडिकुएसी को ओवरकम करने में हेल्प करते हैं वो पर्सनालिटी डेवलप करने में बहुत इंपॉर्टेंट है तो यहां साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की बात हो रही है यहां पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात हो रही है। तो बात तो दोनों सही है लेकिन रिलेशन नहीं बन पा रहा दे फॉर द आंसर इज बोथ असर एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए इज इट क्लियर ओके क्वेश्चन नंबर एट आई होपो समझ में आ रहा है. यहां तक कोई डाउट नहीं है ठीक है कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछना मेरे से चलो क्वेश्चन नंबर एट असरशन साइको डायनेमिक थ्योरी फ्रॉम मेनी क्वार्टर्स असर्शन बोलता है कि जो साइको थ्योरीज होती है ना उनको सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म मिलता है ठीक है रीजन द थ्योरीज आर लार्जली बेस्ड ऑन केस स्टडीज दस लैक अ रिगोरस साइंटिफिक बेसिस थ्योरीज में ज्यादातर केस स्टडीज होती हैं इसलिए इसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं होता अब ये तो आई थिंक सो मोस्ट ऑब्वियस आंसर है और आपको पता होगा इसका आंसर क्या है करेक्ट आंसर यू आर आर डाई हार्ट साइकोलॉजिस्ट स्टूडेंट साइकोलॉजी स्टूडेंट सो टेल मी देंसर ये आंसर इज ऑप्शन ए दैट मीन्स दोनों स्टेटमेंट सही है देखो क्या बोल रहे हैं साइको थ्योरीज में बहुत ज्यादा क्रिटिसिजम होता है कारण ये है कि ये जो थ्योरीज हैं ये केस स्टडीज पर बेस्ड हैं अब जब आप किसी केस को स्टडी कर रहे हो तो उसमें जो साइंटिफिक बेसिस होते हैं ये सारी चीजें लैक होती हैं ठीक है सो so, ये असर्शन है और ये रीजन है असर्शन क्या बोल रहे थ्योरीज में बहुत सारे क्रिटिसिज्म है एक क्रिटिसिज्म ये है कि केस स्टडीज पर बेस्ड होती है जो कि रेगुलर साइंटिफिक बेसिस नहीं होता

पर्सनालिटी का मतलब होता है फिजिकल या एक्सटर्नल अपीयरेंस एक इंडिविजुअल का कि वो फिजिकल एक्सटर्नली कैसा दिखता है जैसे फॉर एग्जांपल जब हम किसी को गुड लुकिंग बोलते हैं या व्हेन वी फाइंड समवन गुड लुकिंग वी ऑफन अज्यूम दैट द पर्सन हैज आल्सो अ चार्मिंग पर्सनैलिटी तो हमको ऐसा लगता है कि उस पर्सन person की पर्सनैलिटी भी बड़ी ही चार्मिंग होगी रीजन पर्सनैलिटी रिफर्स टू आर कैरेक्टरिस्टिक वेज ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू इंडिविजुअल्स एंड सिचुएशन पर्सनैलिटी का मतलब होता है हमारा तरीका कैसे हम इंडिविजुअल्स या सिचुएशंस में रिस्पॉन्ड करते हैं तो वो जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स पर्सनालिटी नाउ यू हैव टू टेल मी करेक्ट आंसर थोड़ा सा सोचो थोड़ा दिमाग लगाओ और फिर बताओ जरा करेक्ट आंसर क्या होगा एंड आंसर हेयर इज ऑप्शन इज फॉर इज ट्रू दैट इज वेरी ऑब्वियस क्योंकि देखो क्या बोल रहे हैं वो साइकोलॉजिकल टर्म्स में पर्सनालिटी का मतलब हमारे फिजिकल या एक्सटर्नल अपीयरेंस होता है मतलब मान लो कोई इंसान हमको सुंदर दिखता है तो हम बोलेंगे इसकी पर्सनालिटी भी बड़ी सुंदर है ऐसा होता है क्या इन रियलिटी इज दिस इज इज दिस एग्जिस्ट ऑब्वियसली नॉट तो ये स्टेटमेंट गलत है साइकोलॉजिकल टर्म्स में पर्सनालिटी का मतलब है आपका कैरेक्टरिस्टिक तरीका कि आप इंडिविजुअल्स या सिचुएशंस में कैसे आपका रिएक्शन आएगा रिस्पॉन्स आएगा कैसे आप रिस्पॉन्ड करोगे फाइन सो इसीलिए रीजन करेक्ट है लेकिन असर्शन फॉल्स है क्वाइट ऑब्वियस फाइन आई होप सो यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है कोई डाउट नहीं है ठीक so so, है सो दैट इज दी होल थिंग अबाउट योर असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन आई होप सो क्लियर हैं अभी भी कोई डाउट लग रहा है या ऐसा लगता है कि नहीं आ रहा है समझ में या कहीं पर कोई कंसेप्ट से रिलेटेड डाउट है सो आज मेन दी कमेंट सेक्शन आई होप सो सारी चीजें क्लियर हैं विदाउट एनी सिंगल डाउट स्टिल कोई भी डाउट है कहाँ पूछोगे कमेंट सेक्शन में आई होप सो ये सारी चीजें क्लियर हैं तो ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लेकर मैं आती रहूंगी आपसे मिलती रहूंगी आप बस अच्छे से अपनी पढ़ाई करो और कोई भी डाउट आए तो उसके लिए मैं हाजिर हूँ मुझसे सवाल पूछो कमेंट सेक्शन में आ, बस जाते जाते एक और छोटी सी इंफॉर्मेशन कि कैसे आप मैग्नेट बेन्स की वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो तो जैसे कि आप इतने अच्छे से पढ़ाई कर ही रहे हो जैसे मैं बार बार बोलती हूँ अच्छे से पढ़ाई करो डाउट्स हो तो पूछो मैग्नेट बेन्स हमेशा आपके लिए अवेलेबल है तो वैसे ही मैग्नेट बेन्स को इजीली एक्सेस भी आप कर सकते हो वेबसाइट के थ्रू देखो एज़ यू ऑल नो आपको डेली लेक्चर्स मैग्नेट ब्रिंस की यूट्यूब चैनल पर मिलते हैं साथ ही साथ में मैग्नेट ब्रिंस की ऐप है आप उसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो इसके अलावा जो मैग्नेट ब्रिंस की वेबसाइट है दैट इज डब्लू डब्ल्यू डब्लू डॉट मैगनेट ब्रिन्स डॉट कॉम आप इसको जैसे ही गूगल पर एंटर करते हो आपके सामने मैग्नेट ब्रिंस एजुकेशन प्लेटफॉर्म ओपन हो जाएगा जहाँ पर आपको टॉप कोर्सेज मिलेंगे हाई क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी बेस्ट टीचर्स के साथ में और इतना ही नहीं आपको यहाँ पर सारी क्लासेस सारे कोर्सेज हमारे टॉपर सब कुछ देखने को मिलेंगे देखो जैसे ही वेबसाइट को एक्सेस करते हो आपके सामने सारे कोर्सेज आ जा जाएंगे कोर्सेज पे क्लिक करो सारी क्लासेस आ जाएंगी क्लास पे क्लिक करोगे सारे सब्जेक्ट्स आ जाएंगे वॉच नाउ पे क्लिक करना चैप्टर्स आ जाएंगे चैप्टर पे क्लिक करोगे सारे सब टॉपिक्स सा आ जाएंगे तो जैसे जैसे मैं स्टेप वाइज बता रही हूँ ना वैसे वैसे आप सारे लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हो बहुत ही ईजिली जस्ट क्लिक ऑन वॉच नाउ और वीडियो ओपन तो सारी क्लासेस सारे कोर्सेस यहां पर आपको मिल जाएंगे बहुत ईजीली और आपको ढूंढने की कोई दिक्कत भी नहीं होगी क्योंकि सिक्वेंशियल मैनर में हर एक चीज आपके लिए अवेलेबल है साथ ही साथ में आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन बेस्ट टीचर्स के साथ में हम प्रोवाइड करते हैं और इतना ही नहीं हंड्रेड परसेंट फ्री प्रोवाइड करते हैं विद क्वालिटी यहाँ पर हम आपसे कोई पेड सब्सक्रिप्शन कोई पेमेंट या कोई कूपन नहीं बेचेंगे बिकॉज एवरीथिंग इज जस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट तो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव को भी मैग्नेट ब्रेन के बारे में बताओ ताकि वो भी इस हंड्रेड फ्री अन क्वालिटी एजुकेशन का फायदा ले सकें आई होप सो दैट्स ऑल इज क्लियर टू यू और इसी के साथ साथ आप मैग्नेट ब्रेस को इंस्टाग्राम फेसबुक ट्विटर टेलीग्राम सभी पर एक्सेस कर सकते हो अपार्ट फ्रॉम दिस मैग्नेट बीन्स के नोट्स एंड बुक्स एंड ई बुक्स भी आप एक्सेस कर सकते हो जिनका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा फाइन सो आई होप सो सारी चीजें क्लियर हैं तो अब बस अच्छे से पढ़ाई करो मैग्नेट बीन्स है आपके साथ में एंड फॉर मोर अपडेट्स स्टे ट्यून्ड विद मैगनेट बीन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना थैंक यू वेरी मच